मैडम जी का गुड मॉर्निंग आज बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि मैडम जी को सुबह सुबह न्यूज़ मिला है कि इनका कुछ कुछ क्या क्या ऑर्डर किए थे तो इनका डिलीवर होने वाला है। और हाँ, एक और बात, मैडम जी आज रात यात्रा है, तो आज तो पूरा दिन आप स्पेशल स्पेशल चीज़ें खिलाएंगे बोली थी ना, तो क्या क्या बनाएंगे करके? नहीं, दोपहर का तो चलो इन्विटेशन है गृह प्रवेश का, लेकिन और शाम को कुछ कुछ बोले थे ना स्पेशल चीज़, क्या क्या? तो क्या मेरे को अच्छा लगेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल, एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज है 12 जुलाई और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी है और मौसम भी बहुत प्यारा है, तो आज के दिन हमको बहुत कुछ स्पेशल चीज़ें करनी हैं। वैसे कल से ही फिक्स था कि ये चीज़ें करनी हैं, तो आज पूरा दिन शेड्यूल्ड है क्या क्या करना है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कि क्या क्या हम करते हैं। बताओ भला, तुम्हारा फ्लिपकार्ट से आइटम आए हैं, तुम वहाँ पे कपड़े धो रहे हो, बहुत भारी लग रहा है। तो अभी मैडम जी बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ अपना आइटम ओपन कर रही हैं। अरे मैं सोचा तभी तक तो रेडी नहीं हुआ, तुम तो एकदम रेडी होके बैठे हो। तुमको तो 1:30 बजे बुलाए थे ना, टाइम तो गए। तो अभी मैं थोड़ा सा रेडी हो जाता हूँ, थोड़ा मुंह धो लेता हूँ और क्या। तो इधर मम्मी भी रेडी हो गई है, सब रेडी हैं। मॉर्निंग बताया था ना, एक हमारे मोहल्ले में ही गृह प्रवेश है, तो अपन सब फैमिली वहाँ पे जा रहे हैं, तो चलते हैं वहीं पे, फिर वहीं पे मिलते हैं। कोलकाता एटा खाए ना कि रथ यात्रा ते जिलेबी पापड़ पापड़ आलू चप पापड़ आलू चप का जिलेबी आज ना बड़ा खाला बाड़ वाला अगर अगर बगर नहीं, मेन क्या टाइम इधर उधर हो गया है। चौधरी एंड कंपनी, नहीं तो ये वाला पापड़ में उतना मजा नहीं आता है, वो तीखा वाला जो रहता है ना उसमें ज्यादा मजा आता है। छोटा वाला तीखा वाला, उसको फ्राई कर, तेल में फ्राई नहीं, वो नॉर्मल ऐसे ही फ्राई। पर ये हमारा बन चुका है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, आलू आलू का चाव। तो जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में ये ट्रेंड है, शायद बोलते हैं कि वहाँ पे कोलकाता में खाते हैं इसको, आलू का चौप और पापड़ और जलेबी भी खाते हैं शायद, जलेबी नहीं आए हैं। अच्छा, मीठा खाते हैं मतलब बोलना चाह रहे हो? हाँ, तो मीठा खाते हैं, तो मीठा तो अपने घर में फुल भरपूर है।
एक दिन पहले की वीडियो में दिखाया था ना गुलाब जामुन बना हुआ है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का कुछ कुछ वीडियो में, वीडियो नहीं मतलब टीवी में देख रहा था, लाइव चल रहा था, तो आई थिंक इस बार परमिशन नहीं मिला है कोरोना की वजह से। पिछले साल भी नहीं हुआ था, इस साल भी नहीं हुआ है यार, पता नहीं कब तक जाएगा ये सारी चीज़ें। और ये एग्जॉस्ट फैन चल रहा है, इसकी वजह से आवाज़ बिल्कुल बहुत शोर हो रहा है। तो चलो अभी इसको, और क्या ना, कभी कभी अपन जाते थे यहाँ पे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पर, रथ निकलता था, लेकिन इस बार यहाँ पे भी दो साल से वो नहीं हो रहा है, लेकिन जाएंगे एक आध दिन तो देखने जरूर जाएंगे जगन्नाथ जी को। अभी फिलहाल कुछ कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा कहेंगे, क्योंकि वो जो गए थे ना, कहाँ गए थे अपन गए थे गृह प्रवेश में। और हाँ, गृह प्रवेश के बारे में तो बताने ही भूल गया, अभी ऊपर जाके सुखा हुआ कि ऊपर जाके थोड़ा सा बताऊँ गृह प्रवेश में क्या हुआ था, इसलिए वहाँ पर मैं वीडियो नहीं कर पाया। सोचा था थोड़ा बहुत वीडियो करूँगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ कुछ हो गया था, तो इसकी वजह से वीडियो नहीं हो पाया। तो अभी पहले इसको खाते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं ऊपर आराम से बैठ। अपना ये आलू का चॉप हो गया है, अब ये हो रहा है पापड़ फ्राई। तो फिलहाल अभी हम डिनर वगैरह करके पूरा फुर्सत हो चुके हैं, क्योंकि रात भी हो चुकी है। तो जैसा कि मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले कि आज जहाँ गृह प्रवेश में किए गए थे वहाँ पे थोड़ा सा ही वीडियो मैडम जी ने किया था, तो मैंने भी गर्मी तो थी, ठीक बोल रहे हो, नहीं गर्मी थी, लेकिन मैं बाहर बैठा हुआ था तो उतनी गर्मी नहीं लग रही थी, बीच बीच में हवा भी चल रहा था, बारिश भी हो रही थी, तो ये वजह नहीं थी। असल में क्या हो रहा था ना कि पूजा पाठ होते होते थे ना बहुत लेट हो गया था यार, 3:30 के आसपास, 3:30-4:15 हो गए थे, तो भूख लग चुकी थी खतरनाक, और ख़तरनाक भूख के बीच में कैमरा उठा के व्लॉग करने का तो मन किसी का भी नहीं करेगा, तो इसी वजह से हम वहाँ पे बिल्कुल भी कैमरा उठा के नहीं शूट कर पाए। तो ठीक है, कोई नहीं, होता है कभी कभी। तो चलो अभी हम वापस डिनर करके आ चुके हैं, अपना सब कुछ काम आज का डन हो चुका है, रथ यात्रा भी हमारा स्पेशल सब कुछ आज किए, बहुत अच्छा मज़ा आया आज पूरा दिन। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगर ये वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाल कलर का बटन है उसको बस दबाना है। ओके, तो आपसे मिलेंगे फिर से कल परसों नरसों, जब भी नेक्स्ट ब्लॉग अपलोड करेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपने परिवार के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए एंड बी सेफ। ओके चलिए, आपसे मिलते हैं फिर, चलिए चलो भाई, टाटा।